यूपीआई जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था इंडिया में, और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज ने, तकरीबन 30 कंट्रीज ने अपील की थी इंडिया से कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि हमें भी ये सिस्टम अपनी कंट्री में चाहिए। इस पर बातचीत चल रही है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया की टेक्नोलॉजीज को फॉलो करने वाली है, उनसे अपील करिए कि हमें भी ये टेक्नोलॉजी चाहिए। इंडिया इजराइल रिलेशंस, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू जिन्हें कहते हैं, इज बैक इन पावर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का और नेतन्याहू साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्डिंग थी। इंडिया में D2M टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है। उनको किसी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है कोई भी वीडियो देखने के लिए, कुछ भी सीरियल वगैरह कुछ भी इस तरह का सर्च करने के लिए, देखने के लिए। बताया वो जो पहली फ्लाइट जो सऊदी अरेबिया से, इसराइल से सऊदी अरेबिया को गई, वो एयर इंडिया की फ्लाइट थी। अब जो नया सीईओ हायर किया है वो भी इंडियन ओरिजिन का। एग्जैक्टली, तो इंडिया के लिए तो ये मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज ऑन इट्स साइड। इसके अलावा बहुत से मुआहदे वो रुपी में ही कर रहे हैं, ट्रेड रुपी में ही कर रहे हैं। तो फिर अगर मेहनत करे बंदा तो बहुत आगे पहुंच सकता है, जब वो कुछ अरसे के लिए चाइना की जीडीपी क्रॉस कर सकते हैं तो फिर अमेरिका क्या चीज है। मेहनत करे तो मेहनत की बात है ना, वो पाकिस्तान तो है नहीं जो मुंह से सिर्फ बातें करे। हवा में तीसरा, आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था इंडिया में, और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज ने, तकरीबन 30 कंट्रीज ने अपील की थी इंडिया कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए, और कुछ कंट्रीज में इस पर काम भी किया जा रहा है, मुआहिदे भी इंडिया के साथ तय हो चुके हैं। लेकिन अगर हम सुपर पावर यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, डॉलर जो है वो दिन ब दिन हमें घटता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि हमें भी ये सिस्टम अपनी कंट्री में चाहिए। इस पर बातचीत चल रही है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया की टेक्नोलॉजीज को फॉलो करने वाली है, उनसे अपील करिए कि हमें भी ये टेक्नोलॉजी चाहिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि अमेरिका सुपर पावर है, वो अप्रोच करिए इंडिया को इस सिस्टम के लिए, अगर ये सिस्टम अमेरिका में लॉन्च हो जाता है। हमें देखने को मिला है कि अमेरिका का डॉलर भी काफी नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है और क्राइसिस भी जा रहे हैं वहां पर, तो कितना हेल्पफुल होने वाला है ये सिस्टम अमेरिका में, क्योंकि कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस डाउन जा रहा है इस वक्त अमेरिका में। ऑब्वियसली हेल्पफुल तो होगा ये सिस्टम उनके लिए, बिकॉज वो उनका ट्रस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया की इंडस्ट्री पे है। तो में है ही नहीं, आप ये बोले कह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है ना लोकली सिस्टम पे ये चल रहा है। ऊपर वाले सिस्टम पर होगा तो ही जो है ना किसी के साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। जब है ही सारा कुछ हमारा लोकली जगह पे रह गया हुआ है, हमें कोई हमें कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा कोई अच्छे वाला कि हम लोग अपने आईटी को अपने ऊपर लेकर जाएं, तो तब तक तो हम लोग नीचे ही रहेंगे ना। तो इंडिया में ये है कि उनको बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, उनकी जो है ना वो काबिलियत की वजह से, काबिलियत की वजह से मिल रही है, और उनकी सबसे ज्यादा मेजर फैक्ट इज दिस के हुकूमत बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। सर मेरा आज का आपसे सवाल ये है, इंडिया में D2M टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, उनको किसी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है कोई भी वीडियो देखने के लिए, कुछ भी सीरियल वगैरह कुछ भी इस तरह का सर्च करने के लिए, देखने के लिए, क्या कहेंगे आप, इसका मुकाबला पाकिस्तान से कैसे करने वाले हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहले इस बात का आपसे जिक्र करता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया को नहीं बीट कर सकते, इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम लोग अभी 3G 4G भी फंसे हुए हैं, उसमें भी ग्लिच आ रहा है, ठीक है। और उसमें इशू ये आ रहा है कि अगर मैं 4G को यूज कर रहा हूँ, मैं किसी बेसमेंट में जाता हूँ तो वो 4G साइन खत्म होता है और हम लोग एज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट को जो इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर उठाया, उसमें पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसने सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी